सो गाइस फाइनली द वेट इज ओवर। फाइनली हम आ चुके हैं 5.1 क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड के साथ। आप देख सकते हो हमारे सामने रखा हुआ है, तो कुछ ऐसा लुक है। सारे कंपोनेंट्स एकदम जेन्युइन हैं, जेन्युइन आईसीएस के अंदर, वो भी रिवील करेंगे प्रॉपर तरीके से, डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअल में है क्या चीज है, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं, सराउंड सिस्टम बहुत अच्छा आता है। अगर आपको 3D साउंड या 8D साउंड एक्सपीरियंस करना है तो ये बोर्ड यूज कीजिए, प्रॉपर सराउंड साउंड मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। सो गाइस सारे के सारे इंडक्टर वगैरह आप देख रहे हो, मैं आउटपुट वगैरह दिखा देता हूँ उसकी, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सारे टर्मिनल्स हैं यहाँ पे आउटपुट के लिए। जैसा कि मैंने आपको बोला 5.1 क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड है, तो इसमें चार स्पीकर लगेंगे आपके, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 50-50 वॉट के फ्रंट और रियर स्पीकर, और 100 वॉट का सेंटर स्पीकर, और 100 वॉट का सबवूफर। और गाइस इस बोर्ड को पावर देने के लिए आपको यूज करनी पड़ेगी 24 वोल्ट की पावर सप्लाई, तभी ये ऑपरेट होगा। तो गाइस 5.1 क्लास डी एम्पलीफायर को यूज करने के लिए आपको डिकोडर चाहिए होता है, आप इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस डिकोडर कुछ ऐसा दिखता है, आप बाय कर सकते हो, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस हीट सिंक के नीचे हमारी आईसी है, उसको भी रिवील करेंगे हम। सो गाइस अगर इसकी आरएमएस पावर की बात कर लें, तो ये टोटल 400 वॉट आरएमएस पावर के साथ आता है, ठीक है, जिसमें हमारे 50 वॉट के चार स्पीकर और 100 वॉट का फ्रंट स्पीकर और 100 वॉट का सबवूफर आप यूज कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो साउंड को। सो गाइस अब इसकी आईसी रिवील करते हैं, कांट वेट। ओके, तो यहाँ से इसके सारे नट्स वगैरह आप देख सकते हो, और गाइस यहाँ पे सारे कनेक्शन होंगे हमारे इनपुट के, ये देख सकते हो गाइस सारे इनपुट, ग्राउंड वगैरह, फ्रंट, सारे सबवूफर वगैरह के कनेक्शन आप यहाँ से करोगे, जो कि डिकोडर आते ही होंगे। सो गाइस अब देखते हैं इसकी आईसी कि एक्चुअल में कैसी आईसी लगी हुई है इसके अंदर, मजा आने वाला है आईसी देखने में, देखते हैं फेक है या रियल है आईसी। तो जल्दी जल्दी ओपन करते हैं। सो गाइस ये इसकी हीट सिंक है, आप देख सकते हो, और गाइस ये देख सकते हो सारी की सारी TP3116D2 आईसी है, ठीक है, 3116 क्लास डी की आईसी सारी आपको दिख रही है, एकदम जेन्युइन आईसी है। मुझे लगा था कि लोकल आईसी होगी, पर इसमें है एकदम ओरिजिनल आईसी, ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्रंट रियर के लिए यहाँ पे स्टीरियो में आईसी लगी हुई है, स्टीरियो मोड में, जो कि हमारे स्पीकर ड्राइव करेंगे, चार स्पीकर ड्राइव करेंगे, और यहाँ पे एक जो सेंटर स्पीकर होगा, ये आईसी हमारे सेंटर स्पीकर को ड्राइव करेगी 100 वॉट के, और 100 वॉट का सबवूफर ड्राइव करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल चार आईसी हैं, और सारे कंपोनेंट्स एकदम जेन्युइन हैं, आप खुद देख सकते हो, इंडक्टर वगैरह, कैपेसिटर वगैरह छोटे छोटे यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि हमारे ऑडियो क्वालिटी को एनहेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ से इनपुट जाएगा, तो ये कैपेसिटर वगैरह हमारे ऑडियो इनपुट को एनहेंस करेंगे क्वालिटी को, और यहाँ से हमारा आउटपुट आएगा। सो गाइस प्राइस वगैरह आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको बाय करना है तो आप बाय भी कर सकते हो, कहीं पे मंगाना है ऑल इंडिया कहीं पे भी मंगा सकते हो घर बैठे बैठे, ओके। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसकी टेस्टिंग, प्रॉपर टेस्टिंग बहुत जल्दी आएगी, जैसे ही मेरे पास डिकोडर आएगा मैं टेस्टिंग डाल दूंगा इसकी प्रॉपर तरीके से। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और वीडियोज के लिए, क्योंकि टेस्टिंग भी आने वाली है हमारी इस बोर्ड की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेट्स गो।